अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं डॉक्टर अब्दुल अली खान। हमारे हॉस्पिटल में हर तरह की सहूलतें मौजूद हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी। हमारे पास 24 आवर्स के लिए कार्डियक एम्बुलेंस है, जिसमें नया टेक्नोलॉजी के साथ मशीन सब उसमें लगी हुई है। मुमरा से लेकर डुम्बोवली तक के लोग हमारे हॉस्पिटल से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमारे पास अच्छे अच्छे रूम हैं, डिलक्स रूम है, स्वीट रूम है, हर तरह की फैसिलिटीज हमारे हॉस्पिटल में माशाल्लाह मौजूद है। मैं हूं अनिल राजभर, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कल्याण रेलवे स्टेशन पर सोए हुए यात्रियों के साथ कुछ अज्ञात युवकों द्वारा मारपीट करने और उनके साथ लूटपाट करने की घटना सामने आई है। दरअसल कल्याण रेलवे स्टेशन के नए पैदल पुल पर तड़के करीब 3 बजे सुखबीर सिंह नामक यात्री सो रहा था। सुखबीर सिंह उत्तर प्रदेश से कल्याण रेलवे स्टेशन आया था। वह सुबह पुणे जाना चाहता था। ट्रेन के इंतजार में सुखबीर को सोता देख 4 लोग उसके पास आए। इन चारों ने सुखबीर सिंह को लात मारकर उठाया और इसके बाद उन्होंने उन्हें धमकाया और उनका मोबाइल फोन और नगद रुपए लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पहले ये लोग आते ही 4 से 5 यात्रियों के साथ मारपीट व जबरन लूटपाट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में सुखबीर की शिकायत के आधार पर कल्याण RPF व GRP पुलिस ने CCTV के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक नाबालिग बताया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम दीपक मगर, कुणाल गनागे और उसका एक साथी साहिल कक्कड़ फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक ये घटना मंगलवार का बताया जा रहा है, जिसका CCTV वीडियो अब सामने आया है।